इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डेट हेल्ड लीस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं अगर आपने स्टेटमेंट्स पढ़े हुए एनसीआरटी में तो डायरेक्ट हो जाएगा देखिए एक चीज देखिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया सभी के सभी जो इन एक्टिविटीज हैं सभी में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और आपको ग्लोबल वार्मिंग में ये सब इन्वॉल्व होते हैं इनमें से कोई कोल यूज करता है कोई कोक यूज़ करता है कोई ऑयल यूज करती है इंडस्ट्रीज तो इस, इसका मतलब अल्टीमेटली सभी सब रिस्पॉन्सिबल हैं कम या ज़्यादा वे में ग्लोबल वार्मिंग के लिए अब सवाल है कि लीस्ट रिस्पॉन्सिबल क्या है देखिए मैक्स मैनुफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज अ वेरी हाई एनर्जी इंटेंसिव आपका प्रोसेस है ठीक है अब जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी अगेन बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और जो कि जिसमें स्टील मैन्युफैक्चर आप कोल या कोक यूज करते हो एज अ हीट सोर्स अगेन इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह मिशन होती है ठीक है और अगर आप तीसरा देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स में तो अल्टीमेटली अगेन वही कोल और जो आपका कोक है या तेल है नेचुरल गैस है इसी को आप बर्न कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में लेकिन इन सब में अगर आप ये कंपेयर इसको करोगे किसको फोर्थ ऑप्शन को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया हालांकि ये भी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करने में स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड लेकिन इसका जो क्वांटिटी है ना या इसका जो रोल है इसमें अफेक्शन अफेक्ट करने में ग्लोबल uh, वार्मिंग को लीस्ट है लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है ये बहुत ही तीनों के तीनों हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है ठीक है